तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि यहाँ पर सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, स्वीकृत द्वारा भरा जाए के दौरान योजना में शामिल होने वाले सदस्यों का नामांकन अवधि। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे इस वाले कॉलम पे आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले कॉलम को आपको छोड़ देना है और यहाँ से नीचे वाले कॉलम पे आना है। इसके लिए सबसे पहले आपके आपके जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में या तो आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए या जो भी मतलब एक अकाउंट इसमें होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना जो भी आपका पासबुक में खाता संख्या होगा उस खाता संख्या को यहाँ पे लिख दीजिएगा। हम सिर्फ डेमो यहाँ पे दिखाने के लिए आपको ऐसे यहाँ पे भर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे पूरा नेम आपका जो भी आपका नेम होगा यहाँ पे पूरा नेम लिख दीजिएगा। यहाँ योजना में शामिल होने की तिथि यहाँ पे तो दिनांक इधर दे देंगे, देखिए दिनांक यहाँ पे नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पूरा नेम लिख देना है जो भी आपका नेम होगा। इसके बाद आपका पता दे देना है, जैसे आपका विलेज हो गया, विलेज का नेम यहाँ पे दे देना है, पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस का नेम दे देना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन हो गया, यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नेम दे देना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम देना है, स्टेट का नाम दे देना है। इसके बाद यहाँ पे इस वाले 5 नंबर वाले कॉलम पे आना है। आने के बाद यहाँ पे जो भी आपका बैंक में ये मोबाइल नंबर ऐड होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे दे दीजिएगा। इसके बाद जो भी आधार संख्या जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को यहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे दे दीजिएगा, देने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे 3rd नंबर कॉलम में आपको क्या करना है, जन्मतिथि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे जन्मतिथि को दे दीजिएगा। जैसे 2001 होगा, 2002 होगा, 1998 होगा, जो भी होगा यहाँ पे दे दीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी होगा यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। और नीचे आना है और यहाँ पे लिखा है नॉमिनी का नाम, यहाँ पे नॉमिनी का नेम लिख देना है। जैसे आकाश आपको कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में आपका जो है पैसा कौन निकालेगा, तो यहाँ पे नेम दे देना है और उनके साथ आपका क्या संबंध है, मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, जो भी हो वो क्या संबंध है यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, 9 नंबर कॉलम में यहाँ पर देखना है अभिभावक नाम व पता एवं उम्र। यदि अगर नाबालिग होगा, अगर आप 18 साल से आपका कम उम्र होगा तो उस स्थिति में अभिभावक का यहाँ पे नेम लिख देना है अभिभावक का मतलब नेम लिख देना है, उनका पता लिख देना है। अगर आपका 18 साल से उम्र कम होगा तब, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद इस कॉलम में आपको क्या करना है, दिखना है यहाँ पर कि इस कॉलम में आपको जो भी यहाँ पे कंडीशन है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पे रीड कर लेना है, अपने से एक बार पढ़ लेना है। और इसके बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अपना डेट लिख दीजिएगा जिस तारीख को आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। जैसे आप सिग्नेचर करते होंगे, अकाउंट होल्डर यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे और बाकी जो है कॉलम या जो है बैंक में भरा जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।